भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले से हमारी संवाददाता क्षितिजा देशमुख ने कई मुद्दों पर खास बातचीत की है, जिसमें बारामती दौरे पर करंट कार्यक्रम करने वाले वक्तव्य पर बावनकुले ने कड़े शब्दों में टिप्पणी की है। हमारे साथ चंद्रशेखर बावनकुले हैं। हम जानेंगे कि अजीत पवार ने जो आपको बारामती का करंट कार्यक्रम ऐसा दौरे के दरमियान कहा था, क्या बताओगे आज आपने सदन में? देखिए, अजीत पवार जी पे मुझे कभी कभी हंसी भी आती है और दुख भी होता है कि मेरा केवल एक दौरा बारामती का, वो इनको इतना फ्रस्ट्रेट करके गया है, उनके पाँव की जमीन खिसकने लगी है। बारामती मॉडल के नाम पे मूर्ख बनाया गया जनता को, कॉन्ट्रैक्टर के लिए काम निकालना और जनता को जो काम की जरूरत है ऐसे काम निकालना। मैंने तो देखा एक ब्रिज ऐसा बनाया, एक भी कोई वो ब्रिज से ट्रैफिक नहीं बनाया, गिरा दिया फिर बनाया। बारामती शहर का विकास यानी बारामती लोकसभा का विकास नहीं है, बारामती शहर का विकास यानी पश्चिम महाराष्ट्र का विकास नहीं है। 30 साल मंत्री पद में सरकारें वहाँ रही राष्ट्रवादी कांग्रेस की, और 70% बजट सरकार के जो खाते हैं, जो डिपार्टमेंट है, वो पश्चिम महाराष्ट्र में रहे। उसके बावजूद भी 50% पश्चिम महाराष्ट्र अभी भी स्केयर सिटी में, अभी भी वहाँ विकास नहीं पहुँचा है। जब हमने बात कही बारामती में जाकर तो बौखला गए, अब कहते हैं करेक्ट कार्यक्रम करेंगे। मैंने तो वहाँ इतना ही कहा था कि बारामती की जनता देवेंद्र जी और एकनाथ शिंदे जी के समन्वय से मोदी जी के नेतृत्व में बारामती की सीट हम जीतेंगे, इतना ही कहा। तो जनता तैयार है, वहाँ पर सांसद चुन के आएगा शिवसेना भाजपा का। बिल्कुल, सुषमा द्वारा भी वक्तव्य किया गया था कि बीजेपी के जो तानाजी सावंत और शाहजीराव बापू पाटिल का नाम लेके वो जो बीजेपी में जाने वाले थे। देखिए, हमारी महिला नेता इतनी सक्षम है कि सुषमा अंधारे का उनका रिप्लाई करेगी, हमारे प्रवक्ता वही बात करेंगे। और मैं उनके बारे में बात करना, मुझे लगता है कि हमारी महिला नेता सक्षम है उसके बारे में बात करने के लिए। बिल्कुल, जहां शिंदेगढ़ के जो विधायक हैं मंत्री हैं उन पर लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं, तो वहां भी कहा गया है कि देवेंद्र की ओर से ये कार्यक्रम किया जा रहा है। देवेंद्र जी कभी ऐसा करते नहीं, एकनाथ जी देवेंद्र जी दोनों एक साथ हैं, 18-18 घंटा काम कर रहे हैं, दोनों की सरकार जोरदार चल रही है। अपोजिशन का डर लग रहा है कि आने वाले 15 साल हम दोबारा वापस नहीं आएंगे, इस वजह से घबराए हैं। और देखिए आज कितनी बुरी बात है कि 13 करोड़ जनता ने जो बिल आज सरकार ने पास किया है लोक आयुक्ता का, अन्ना हजारे जी ने कहा कि लोक आयुक्त होना चाहिए, कल मैंने कोई गलती होती है तो मेरा भी कंप्लेंट होनी चाहिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई होनी चाहिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ एक डायस मिल गया जनता को कंप्लेंट करने के लिए, वो बिल पास किया गया। 13 करोड़ जनता की ओर से मैं भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं की ओर से अभिनंदन करता हूँ, लेकिन अपोजिशन डर गया है, अपोजिशन ने उसका विरोध किया, अपोजिशन ने तो उसका अभिनंदन करना चाहिए क्योंकि 65 सालों में 55 साल सरकार चलाई, पैसा से सत्ता, सत्ता से पैसा, इतना ही कमाया किया है। डेवलपमेंट के नाम की इनको बात करने का अधिकार नहीं है। आप देखिए विदर्भ, मराठवाड़ा, उत्तर महाराष्ट्र का डेवलपमेंट की जब बात आई तब अजीत पवार ने क्या कहा? अजीत पवार ने कहा कि 12 विधायक जब तक राज्यपाल नहीं देंगे हम विदर्भ मराठवाड़ा का विकास नहीं करेंगे। पिछली सरकार में अजीत पवार ने सारे मंत्री को बुलाया था महाविकास आघाड़ी को और कहा था कि बीजेपी के विधायक को पैसा नहीं देना डेवलपमेंट के लिए, अलिखित बात कही गई। सारे मंत्रियों ने कहा कि अजीत पवार जी का आदेश है कि हम बीजेपी के विधायक को पैसा नहीं देंगे। मैं 2 बार अजीत पवार के पास गया, पुरानी महालक्ष्मी माता जी के पैसा सरकार ने देना चाहिए, नहीं दिया। राजनीति गंदी इन्होंने की है। और अभी देखिए कि ओबीसी आरक्षण की बात करिए, ओबीसी आरक्षण को जब 365 करोड़ चाहिए थे, ओबीसी आरक्षण को 365 करोड़ ओबीसी आयोग ने मांगे थे ओबीसी के जनरल इंपेरिकल डेटा तैयार करने के लिए, नहीं दिया, फाइल फेंक दी। ओबीसी आरक्षण को आखिरी देवेंद्र फडणवीस की सरकार आनी पड़ी, एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस सरकार आने के बाद ओबीसी आरक्षण मिला, ओबीसी का आरक्षण भी इन्होंने छीना।
तो यहाँ पे आके जो बात कर रहे हैं अभी नागपुर के डेवलपमेंट की, दो साल सरकार थी कभी इन्होंने नागपुर में अधिवेशन नहीं लिया, कोरोना का नाम बताया, नागपुर में कोरोना मुंबई में नहीं है, कोरोना के संक्रमण के नाम से नागपुर पर अन्याय किया, नागपुर करार का उल्लंघन किया, और विदर्भ मराठवाड़ा के साथ जब जब अजीत पवार पोस्ट पे आए तब तब अजीत पवार ने विदर्भ मराठवाड़ा उत्तर महाराष्ट्र के साथ अन्याय किया है। और अभी कल उन्होंने बोला कि चंद्रकांत दादा को दो पोस्ट और देवेंद्र जी के पास 6 पोस्ट है। मेरा सवाल अजीत दादा को है, अजीत दादा जब जब आपकी सरकार बनी तब तक सारी पोस्ट आपने ले ली, सारे मंत्रालय आपने कब्जे में रखे, वित्त मंत्रालय आपने पूरा लेकर भाग गए, और आपको ये बोलने का अधिकार नहीं देवेंद्र जी के खिलाफ। आपने आपने अपोजिशन पार्टी का लीडर बनाने की बात आई तो अपोजिशन पार्टी का लीडर बनाने के समय क्या जयंत पाटिल जी नहीं थे? जयंत पाटिल सक्षम नेता नहीं है? जयंत पाटिल क्या होशियार व्यक्ति नहीं है? तो उनको पार्टी का अध्यक्ष बनिए, और आप सरकार के बंगले के बाहर नहीं निकलेंगे। आप देवगिरी चाहिए, आपको सरकारी गाड़ी घोड़ा चाहिए, आपको सरकार की फ्लाइट चाहिए, आपको अधिकार नहीं है करेक्ट कार्यक्रम वगैरह बोलने की, आप में हिम्मत भी नहीं है भारतीय जनता पार्टी का कोई करेक्ट कार्यक्रम करने की। हम तो बस से और एसटी से घूमने वाले कार्यकर्ता है, रेलवे से घूमने वाले कार्यकर्ता है। आप इसके बाद कोई भी चैलेंज अजीत पवार का हमारे कार्यकर्ता हम स्वीकारने को तैयार है, और बारामती के लोकसभा के अंदर हम जनता के पास जाएंगे और जनता निश्चित रूप से मोदी जी के नेतृत्व में करेक्ट कार्यक्रम करेगी। उद्धव ठाकरे जी को फिर लगता है कि कांग्रेस राष्ट्रवादी के साथ सरकार में आ जाऊंगा और मुख्यमंत्री बन जाऊंगा, और वैसा भी उसका व्यवहार वैसा ही है 2.5 साल से। स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे जी के सारे विचार को छोड़कर, हिंदुत्ववादी विचारों की भावना को छोड़कर कांग्रेस के गोदी में जाके बैठे। पिछले बार सोमवार को विधानसभा में आए, कांग्रेस कार्यालय में 1 घंटा बैठे, परसों कांग्रेस कार्यालय में बैठे दिखे। ये स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे ने कहा था, वो देखते होंगे ऊपर से कि हमारे बच्चा है, हमारा बेटा कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में। हमने देखा है कि मातोश्री का कभी मातोश्री का इतना बड़ा श्रेष्ठ एक वहाँ का एक पूजनीय स्थल था, वो पूजनीय स्थल पे सारे लोग जाते थे। अब ये परिस्थिति उद्धव ठाकरे पे आई कि वो कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में जा रहे हैं, वो राष्ट्रवादी कांग्रेस के पार्टी के कार्यालय में जा रहे हैं, और ये दिन आएगा कुछ दिन बाद कि वो MIM के कार्यालय में जाके बैठेंगे। सर, हमारे साथ थे, उन्होंने अजीत पवार ने जो कहा था कि बारामती का जो दौरा हुआ है चंद्रशेखर बावनकुले का, उसके बाद कार्यक्रम जो है हम करेंगे उस पर बावनकुले ने प्रतिक्रिया देते हुए कड़े शब्दों में टिप्पणी की है। कैमरा पर्सन अमोल के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN News नागपुर।